नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बंगाल चुनाव में भाजपा ने उतारे 5 सांसद, बाबुल समेत 3 हारे। पीवी जैन के नेतृत्व में केरल में लेफ्ट फ्रंट ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी जीत। केरल कांग्रेस के दिग्गज नेता बालकृष्ण पिल्लई का निधन, श्वास संबंधी समस्याओं से थे पीड़ित। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 5 सांसदों को मैदान में उतारा था, जिनमें से सिर्फ 2 ही जीतने में सफल रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो सहित अन्य 2 चुनाव हार गए। हारने वालों में राज्यसभा से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने वाले स्वप्न दास गुप्ता भी शामिल हैं। हुगली से लोकसभा सांसद लोकेट चटर्जी को भाजपा ने चुनचुड़ा विधानसभा सीट से लड़ाया, लेकिन जीत नहीं सकी। लॉकेट चटर्जी को 18,417 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह कूचबिहार से सांसद निशित प्रमाणिक ने दिनहाता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। कड़े मुकाबले में सांसद निशित प्रमाणिक मात्र 57 वोटों से निकटतम प्रतिद्वंदी टीएमसी नेता उदयन गुहा को हराने में सफल रहे। पिछली बार टीएमसी नेता उदयन गुहा ने इस सीट पर 21,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। राणाघाट लोकसभा सीट से सांसद जगन्नाथ सरकार को भाजपा ने शांतिपुर से प्रत्याशी बनाया। जगन्नाथ सरकार कुल 15,878 वोटों से जीतने में सफल रहे। उन्होंने टीएमसी के अजय देव को हराया। रविवार को घोषित विधानसभा चुनाव परिणाम में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व वाले केरल लेफ्ट फ्रंट ने लगातार दूसरी बार शानदार जीत हासिल की है। लेफ्ट की लहर ने राज्य में भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का दशकों का राजनीतिक कौशल विधानसभा चुनाव में नेतृत्व वाले एलडीएफ को मिली शानदार जीत का प्रमुख कारण रहा। राज्य में करीब 4 दशक से एलडीएफ और यूडीएफ एक एक कार्यकाल के लिए सत्ता में आते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी गठबंधन ने लगातार 2 बार चुनाव जीता। केरल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 6 अप्रैल को हुए थे, तो वहीं चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। भाजपा नेता एनडीए ने केरल में कम से कम 35 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन रविवार को आए परिणामों में पार्टी का पूरी तरह से सूपड़ा साफ दिखा। केरल कांग्रेस बी के सुप्रीमो आर बालकृष्ण पिल्लई का सोमवार सुबह कोटाराकारा के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। वे कुछ समय से श्वास संबंधित समस्याओं से पीड़ित थे। कोटाराकारा में एक धनी परिवार में जन्मे पिल्लई ने अपने छात्र जीवन में ही राजनीति में प्रवेश कर लिया था। वे कांग्रेस के साथ जुड़ने से पहले स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य रहे। 1958 से 1964 तक AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। पिल्लई 1960 में 25 साल की उम्र में पठानपुरम सीट से विधानसभा में चुने गए। 1964 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और वरिष्ठ नेता KM जॉर्ज के साथ मिलकर केरल कांग्रेस का गठन किया। पिल्लई केरल कांग्रेस के संस्थापक महासचिव रहे। खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां 63 ग्राम पंचायतों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने के लिए हैंड स्प्रे भेंट किए गए। पारिक मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष संबुद दयाल पारिक की प्रेरणा से गीता देवी शिव प्रसाद सर्राफ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से स्प्रे भेंट किए गए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी रीना छीपा, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक सहित मुख्य लोगों ने 63 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को दवा छिड़काव का यंत्र भेंट किया। इस अवसर पर रीना छीपा ने इस सहयोग के लिए सर्राफ परिवार का आभार जताया। BDO पारिक ने बताया कि सर्राफ परिवार के इस कार्य से अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अभी जो ये 63 पंचायत अपने सदाशहर तहसील में, उन 63 पंचायतों में प्रति पंचायत एक एक ये सैनिटाइज करने की मशीन दी। मैंने सिर्फ फ़ोन पे सारा परिवार को अवगत कराया कि 63 पंचायतों में हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव होना है। उनको मशीन नहीं है उनके पास। उन्होंने एक फ़ोन पे स्वीकार कर ली कि बोले आप मशीन मंगा लेना और मशीन ले लेना। तो आज SDM साहिबा और BDO साहब कानून गोपाल जी आए, उनको हमने सपोर्ट कर दिया। तो उनका अपने सदस्य तहसील में गांव में उपयोग होगा, गांव में फायदा मिलेगा। आज सहयोग किया गया है, क्या कुछ सहयोग किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में? इस कोरोना महामारी को जो देखते हुए हाइपोक्लोराइड एवं छिड़काव के संबंध में काफ़ी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में मैंने हमारे अध्यक्ष शिवदयाल पारी, शंभुदयाल पारी को यह निवेदन किया था कि गीता देवी शिव प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट
यदि हमें इस प्रकार के छिड़काव की व्यवस्था के लिए ये ढोलकी उपलब्ध करवा दे तो हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक संस्थान, बैंक, स्कूल, औषधालय, आयुर्वेद औषधालय तथा जिन घरों में पॉजिटिव केस ज़्यादा हैं या जिन वार्डों में पॉजिटिव केस ज़्यादा हैं वहाँ हम व्यक्ति से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाएंगे। और इस छिड़काव के लिए ये हमें अत्यंत आवश्यकता थी। सरा परिवार द्वारा जो हमें ये संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं वो आज के इसकी महती आवश्यकता को देखते हुए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गाँव में इसका हाइपोक्लोराइड का इसके माध्यम से छिड़काव करवाया जाएगा। चूरू के सरदार शहर से है जहां कोरोना रोगी लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसके कारण आमजन में अब खौफ फैल गया है। ऑक्सीजन की कमी वाले मरीजों के लिए राजकीय अस्पताल में 10 बेड बना गया वार्ड अब खचाखच भर गया है। तो वहीं कोरोना संकट के दौरान राजकीय अस्पताल भगवान भरोसे चल रहा है। इस अस्पताल का कहीं कोई धनी धूरी नजर नहीं आया। वार्ड में घंटों तक डेड बॉडी नहीं उठाई जा रही। कोरोना जांच कराने वाले रोगियों को समय पर रिपोर्ट नहीं मिल रही। आलम यह है कि मरीज से पहले अन्य लोगों को जानकारी मिल जाती है और मरीज के पास सूचना 24 घंटे बाद पहुंच रही है। जानकारी के अनुभव में 24 घंटे में मरीज न जाने कितने ही लोगों से मिल लेता है और कितने लोग कोरोना की चपेट में आ जाते हैं। कोरोना पॉजिटिव रोगी ने बताया कि उसने कोरोना की जांच कराई और दो दिन बाद लोगों ने बताया कि वे पॉजिटिव हैं। पुलासर निवासी रामावतार पारिक ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी के चलते उसकी मां वार्ड में भर्ती है। रात के समय एक मरीज की मौत हो गई लेकिन सारी रात डेड बॉडी बेड पर ही पड़ी रही। चिकित्सकों से जब संपर्क किया गया तो वे दूसरे की जिम्मेदारी बताकर पल्ला झाड़ते नजर आए। सुबह एक बार फिर मरीज की मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने चिकित्सकों से संपर्क किया लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस डेड बॉडी को भी घंटों बाद उठाया गया। इसी प्रकार सरदार शहर से कोरोना के सैंपल सही तरीके से चूरू नहीं भेजने के कारण वहां जांच नहीं हो रही और मरीज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। खबर भरतपुर के बयाना से है जहां मुख्य बाजारों में पुलिस प्रशासन की ओर से रविवार शाम को फ्लैग मार्च निकाला गया। बाजारों में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को समझाया और घरों से न निकलने की अपील की। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक अजय शर्मा ने बताया कि सोमवार से और सख्त नियम सरकार द्वारा पारित किए गए हैं जिनकी पालना सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना के बढ़ते कदम को देखते हुए बाजारों में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को समझाया कि घर से अनावश्यक बाहर न निकले। तहसीलदार गिरिराज प्रसाद बंसल ने बताया कि सोमवार से जिले भर में बाजार 3 दिन ही खुलेंगे जिसमें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार हैं। इन बाजारों के खुलने का समय सुबह 6 से 11 बजे तक रहेगा। खबर टोंक के उनियारा से है जहां क्षेत्र के खेड़ा गांव में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को भी खलियानों से आग गांव तक पहुंच गई। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार सुबह 11 बजे गोठरा ग्राम पंचायत के खेड़ा गांव के खलियानों में आग लग गई। तेज हवा की तीव्रता ज्यादा होने से आग बड़े क्षेत्र में फैल गई। इससे ग्राम के लोग दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने घर से बाहर निकले और अपने स्तर पर ट्यूबवेल से पाइपलाइन जोड़कर टैंकरों द्वारा आग बुझाई। आग हवा के साथ होने के कारण गांव के चारों ओर छोटे छोटे रूप में 5 से 7 जगह आग लग गई। इस वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को सूचना दी गई जिसके बाद 2 दमकल के आने के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने आग के लगातार सिलसिले पर प्रशासन से अब जांच की मांग की है। खबर नागौर के मकराना से है जहां कोरोना गाइडलाइन की पालना सख्ती से कराने को लेकर रविवार शाम पुलिस और प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करने के लिए आमजन को चेताया। मकराना पुलिस थाने से आरंभ हुए पुलिस और प्रशासन के संयुक्त फ्लैग मार्च में सबसे आगे पुलिस वाहन पर लगे लाउडस्पीकर से लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने का संदेश दिया गया। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतने की बात पुलिस और प्रशासन ने कही। फ्लैग मार्च थाना मकराना से रवाना होकर बस स्टैंड, बाईपास तिराहा, LMB होटल, जय शिव चौक, रेलवे स्टेशन, सदर बाजार, माहेश्वरी भवन होता हुआ आयोजित किया गया। फ्लैग मार्च में थाना स्टाफ के अलावा ट्रैफिक इंचार्ज मकराना नवाब खान के नेतृत्व में यातायात शाखा मकराना के जवान, RAC इंचार्ज रूट सिंह के नेतृत्व में राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी के जवान, बोरावड़ और कस्बा चौकी के पुलिस जवान सम्मिलित हुए। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में दोनों चीजें साथ साथ चलेंगे। हमारा उद्देश्य समझाइश के जरिए लोगों को डिसिप्लिन और कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करवाना है, यानी जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां हम सख्ती भी बरतेंगे। सूरतगढ़ के शिवपुरा कस्बे में लंबे अंतराल के बाद भाखड़ा नहर में पेयजल के लिए पानी छोड़ा गया लेकिन ये पानी इतना काला और बदबूदार है जो पीने लायक नहीं है। पानी आने की सूचना पर DP के संवाददाता SK दहिया ने नहर पर जाकर पानी का जायजा लिया। यहाँ पानी भी जलघर के पाइप लेवल से कम था, अर्थात जलघर में पानी की आवक
शुरू नहीं हुई थी, लेकिन जानकारी मिली कि पानी का प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन पानी न तो पीने योग्य है न ही डिग्गियों में स्टोर करने लायक है। इस बारे में जलदाय विभाग को अवगत कराया गया। जलदाय विभाग ने पहले ही आदेश जारी किए कि पानी को डिग्गियों में स्टोर कर लिया जाए, तो वहीं अब सभी को जल प्रवाह बढ़ने का इंतजार है। यदि पानी साफ हुआ तो डिग्गियों में भर लिया जाएगा। आपको बता दें कि एक महीने से गांव में पेयजल के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। यही नहीं, टैंकरों में ग्रामीण 300 से 700 रुपए में पानी के टैंकर खरीद रहे हैं। इस नहर को एक महीना हो चुका है। कुछ दिन पहले राजस्थान कैनाल में पानी आया था, लेकिन लेवल कम होने के कारण भाकड़ा में पानी प्रवाहित नहीं हो पाया। बड़ी उम्मीदों के साथ भाखड़ा नहर में पानी आया, लेकिन ये क्या है? ये देखिए पानी का कलर, केमिकल युक्त गंदा पानी जो पीने लायक नहीं है। आइए हम ग्रामीण से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या विचार है उनका, पानी को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो। देखो जी, अभी जो भाखड़ा नहर में जो पानी आया है वो बिल्कुल भी पीने के लायक नहीं है। और पहली बात तो ये है कि पानी इतना कम है कि हमारे वाटर सप्लाई, जो हमारे जो तालाब बने हुए हैं उसमें जहाँ से उसमें पानी जाता है उस तक वो पहुँच सके, इतना भी पानी नहीं आया है कि अगर ये पहुँच सके। अगर ये पहुँचेगा भी तो ये पीने के लायक नहीं है। आप देख सकते हो पानी का कलर कैसा है, ये देखिए, आप देख सकते हो किस तरह का कलर है पानी का, ये बिल्कुल भी पीने के लायक नहीं है। खबर नावा के मारोड़ से है, जहां देश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए नावा के परफेक्ट स्कूल के निदेशक ने एक पहल की। परफेक्ट स्कूल मारोट में क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा, साथ ही सभी के खाने की व्यवस्था रहेगी। नावा उपकरण क्षेत्र में रविवार को नावा प्रेस क्लब प्रथम के द्वारा पहल की गई, जिसे लेकर मारोट परफेक्ट स्कूल के निदेशक सावरमल चौधरी पुत्र भागीरथ राम चौधरी ने आगे आते हुए हाथ बढ़ाया। साथ ही मंगलवार से परफेक्ट स्कूल मारोट में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने की बात कही। जिनके घर में कोरोना पॉजिटिव सिम्टम्स के लोग हैं लेकिन जगह का अभाव है या फिर अपनी इच्छा से यहां रह सकता है, यहां पर रहने वाले के लिए खाने पीने सोने की व्यवस्था निशुल्क रहेगी। सावरमल चौधरी ने बताया कि हम सब के सहयोग से यहां भोजन बनाने का काम किया जाएगा, साथ ही हर चौराहे पर भोजन के पैकेट, मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। स्कूल डायरेक्टर सावरमल जाट आज आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें नावा क्लब के जो प्रेस के मेंबर हैं उनका जो स्टेटस मैंने देखा, उसके अंदर इनका जो मैसेज था कि अपन समाज में ये जो महामारी फैल रही है इससे लोगों को उभारने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए हमें घर में सेफ रहना प्लस उनके सहयोग के लिए आगे आने की ज़रूरत है। तो अपने पास जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे अपना स्कूल तो था अभी काफ़ी टाइम से बंद पड़े हैं, तो इसको समाज के उपयोग के लिए, उनकी हेल्प के लिए अपन सभी मिलके और इसको कोविड सेंटर के रूप में, लोगों की हेल्प के रूप में अपन इसको काम में लेने जा रहे हैं। और इसमें सभी के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो सभी एक एक करके साथ में सपोर्ट करें। अपनी जो भी सारी व्यवस्थाएँ, व्हीकल वगैरह, अपनी बिल्डिंग है, अपने खुद की जो हेल्प अपन से हो सकती है वो सारी अपन देने के लिए तैयार हैं। और खाने वाने की जो भी व्यवस्था रहेगी वो भी यहाँ से अपन पैकेट के रूप में, यहाँ जो रहेंगे उनको यहाँ बिठा के खाने की व्यवस्था वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जिनके रहने की घर में व्यवस्था नहीं है, कोविड पेशेंट हैं, ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ अलग अलग से व्यवस्थाएँ दे दी जाएगी। प्लस जो भी कोई भामाशाह के रूप में है, हालांकि स्टे होम सेफ है, लेकिन उसके बावजूद अपन लोगों को एक हेल्प के रूप में सामने आना पड़ेगा। अपने लोगों को अपन ही बचा सकते हैं, कोई बाहर से आने वाला नहीं है। तो हम सब मिलके इस महामारी को एकजुट होके और हराएं, और साथ में सभी लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ जय हिंद। खबर जैसलमेर से है, जहां कोरोना के कर्मवीर दिन रात मैदान में जुटे हुए हैं, तो ऐसे में जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने सभी कोरोना कर्मवीरों का धन्यवाद ज्ञापित किया। आशीष मोदी ने कहा, इस आपदा में जिस तरह से बाहर निकलना बेहद खतरनाक है, उस आपदा पर कोरोना वॉरियर्स दिन रात बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। उन सब में सबसे पहले पंक्ति में मेडिकल की टीम, पुलिस की टीम सहित कई सारे वॉरियर्स हैं जो दिन रात इसमें जुटे हैं। ये सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं, इनका जितना धन्यवाद ज्ञापित किया जाए कम है। अगर ये लोग अपना काम सही से ना करें तो कोरोना संक्रमण और अधिक फैलेगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए जिलेवासियों को इनका सम्मान करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग जिस मंशा के साथ जो बातें हमें कहें, इन चीजों की पालना करनी है तो उसकी पालना अवश्य करें, उनके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करें। जिला कलेक्टर ने आमजन से की है कि सभी घरों में सुरक्षित रहें, सभी कोरोना कर्मवीरों को धन्यवाद दें।
प्रदेश में कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है, लेकिन इस दौरान कुछ जरूरी सर्विस चालू हैं। इसमें शामिल लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं सब लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जिला प्रशासन की टीम, पुलिस प्रशासन, नगर परिषद, डॉक्टर्स की टीम और सभी अधिकारी जो इस पूरे अभियान में एज अ कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, सब लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया है। हम सब लोग बाहर जाकर के व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना रहे हैं। ये सभी ऑफिसर्स, कर्मचारी आपके घरों तक, आपके गली मोहल्ले कस्बे में जा कर के वहाँ पर साफ सफाई रख रहे हैं, और आपको अगर कोई टोका टोकी कर रहा है, कोई इंस्पेक्शन कर रहा है, कोई आपको कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है ताकि आप स्वस्थ रहें, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ रहें, अपने फैमिली के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। मैं चाहूँगा कि आप इन सभी कोरोना वॉरियर्स को मोटिवेट करें, क्योंकि ये आपके लिए अपने घरों से निकल करके, अपने ऑफिस से निकल करके आप लोगों के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करा रहे हैं। इनका सहयोग करें, आप भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करें, ताकि हम सब मिलकर कोरोना की ये जो महामारी, ये जो संक्रमण फैला है, इसको हम दूर कर सकें और इसको खराब। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।